सो ये है बहुत ही क्यूट और प्यारा सा डेकोरेशन मेड बाय माय लव ऑफ कोर्स मंदार. और ये सब उसने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था. मेरा बर्थडे ब्रिंग इन जो करना था, बैंग ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन था. और ये शालवा आ गया और किस तरह से क्यूटली वो भी देख रहा है और वो कंफ्यूज हो रहा है, ये पापा ने आज डेकोरेशन क्यों किया है. और मैं बाहर आराम से टीवी देख रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था. और अचानक से मैं आ गई शालवा के पीछे और देखा और मेरे एक्सप्रेशन और ये मैं इतना ज्यादा खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि जिंदगी में पहली बार मंदार ने बलून्स फुलाए हैं और उसको बांधा है. मंदार को बिल्कुल नहीं आता नॉट्स बनाना बलून्स के, लेकिन उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया. और शाल को फिर सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ बलून्स से खेलना है. वो किस तरह से खुश हो रहा है देखिए. क्या आपने मंदार के वो क्यूट एक्सप्रेशंस देखे? नहीं देखे तो आप फिर से पीछे जाके देखिएगा. और ये हो गया आरती का कार्यक्रम शुरू. मम्मी जी ने बहुत पैम्पर किया, मेरी आरती उतार रही थी, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रही थी और साथ में उन्होंने मेरे लिए बनाया था मेरा फेवरेट सूजी का हलवा जो मैंने बहुत चाव से खाया. लेकिन उसका कुछ शूट करना भूल गई क्योंकि मंदार बहुत 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 परेशान कर रहा था. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. मैं हूँ रुचा मंदार निमकर. सो हाय गाइस, मैं हूँ रुचा महाजन दिमकर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जस्ट रूमन. सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे, मुझे नहीं पता. मंदार को शायद आप लोग पूछेंगे तो बता देगा. सीक्रेट. सो आज क्या है मंदार? आज है रुचा का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. तो मंदार ने कुछ तो सरप्राइज प्लान किया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से रेडी होके. शालवो यहाँ पे सो रहा है मेरी गोद में, बेचारा थक गया, बहुत जल्दी उठ गया था. तो पता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती कहाँ पे जा रहे हैं, क्या दिखने वाला है, या आपको मैं क्या दिखा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है. तो जैसा मेरे लिए सरप्राइज है वैसा भी आपके लिए भी होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड. सो अभी अभी ताज़ा खबर मेरे हाथ में आई है कि फाइनली मुझे समझा है लोकेशन कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. तो हम लोग जा रहे हैं लोनावला में. और उसके बाद मैंने गेस कर लिया लोनावला में किधर जा रहे होंगे, क्योंकि हम तीनों की, हम मतलब मैं मंदार और शालवा, हम तीनों की एक फेवरेट जगह है लोनावला में, जो है स्वामी समर्थ जी का मठ मंदिर. बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे. तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे. और अभी मंदार मुझे ये बोल रहा है कि वहाँ पे किसी को तो उसने काफ़ी लंबे समय से वेट करवाया है. जो मैं पूछ रही हूँ किसको बुलाया है, तो मुझे कुछ जवाब नहीं मिल रहा उसका. तो पता नहीं किसको बुलाया है, मैं काफ़ी ज़्यादा गेस कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी पापा को बुलाया होगा, लेकिन मम्मी से बात भी हुई फ़ोन पे अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर पे ही है. तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे किसको बुलाया है. और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरे इतने सारे जितने साल का बर्थडेज हो गया है, सो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मम्मी पापा रिद्धि दादाजी ये लोग नहीं है साथ में. तो मुझे इसलिए और ज़्यादा लग रहा था कि शायद मंदार ने
मम्मी पापा को ही बुलाया होगा, लेकिन मम्मी पापा कल सुबह ही 8 दिन की गिरनार की यात्रा करके आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़े से अनवेल भी है, इसलिए हमने ही बोला था कि आप प्लीज़ मत आइएगा, नहीं तो उनका पूरा प्लान था, वो दोनों उठ के आज आने वाले थे पुणे में, लेकिन हमने उन्हें मना किया था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। इनफैक्ट मम्मी तो फ़ोन पे बोल रही थी कि कल्याणी आ जाओ, अभी इतना आ रहे हो तो आगे ही आ जाओ, तो क्या करूँ मैं, कैसे किस करूँ। मंदार चलो कल्याण, अभी लोनावला जा रहे थे ना। चलो फिर कल्याण जा के आते, चलो लेट्स सी क्या होता है। ये एकदम एडवेंचरस सरप्राइज वाला बर्थडे चल रहा है मेरा, लेट्स सी। सो द सरप्राइज इज हियर, ये था सबका प्लान, सबने मिलके ये अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था, और मम्मी मेरे से ज़्यादा खुश हो रही है देखिए। और शालवो को खेलने के लिए यहाँ पे कुछ और बलून्स मिल गए। He was way more than happy. So, कैसा लगा सरप्राइज? एक नंबर। आणि आता औक्षणाचा कार्यक्रम पार्ट टू। और अब देखिए मम्मी कितना क्यूटली जल्दी जल्दी में लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ाएगी, क्योंकि मैं ले नहीं रही थी। कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओ बर्थडे गर्ल, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये मेरा फेवरेट केक लेके आने के लिए, और इवेंचुअली अब शालू का भी फेवरेट केक हो चुका है खाता के, और अब शालू के चेहरे की खुशी एक बार देखिए, कितना खुश हो रहा है वो। शाल वो भी क्यूट इनोसेंट बच्चा, उसको लगा नानी उसको खिला रही है बेचारा। और सबको मिलके मन भरने के बाद हमने सोचा पेट पूजा की जाए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बहुत लेट हो गया था, तो हम सब लोग आ गए खाना खाने के लिए। और ये मम्मी पापा गिरनार से शालवा के लिए बहुत ही क्यूट सा ड्रेस लेके आए थे, तो वही ट्रायल सेशन चल रहा था अभी। ये ड्रेस इसके लिए बहुत बड़ा है, और उन्होंने एक साइज बड़ा ही लेके आए, सो दैट नेक्स्ट नवरात्रि तक उसको हो जाए पहनने के लिए। सबका दिन कैसा था? बहुत बढ़िया, मजा आया सबको? बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत 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 ज्यादा मजा आया। मुझे लाडू और छोटा लड्डू मिल गया।
और ये पूरा दिन साथ में बिताने के बाद बहुत सारी अच्छी यादों के साथ हम अब घर के लिए निकल रहे थे। और रास्ते में रुक के हमने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाया, पेट भर के, मन भर के। So, इस वक्त हम लोग हैं लोनावला के रामकृष्ण होटल में, जो आपको ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे ही मिलेगा। ये बहुत टेस्टिंग है। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बैक टू होम। बहुत 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 अच्छा दिन था। It was worth traveling and the surprise was super 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 duper. Thank you. बहुत 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 मजा आया। और all credit goes to Mandar and of course आई बाबा रिद्धि। इतनी ज़्यादा मेहनत की और इतना अच्छे से सब कुछ सरप्राइज प्लान किया, मेरा दिन बन गया। और मैं जो बोल रही थी जाने से पहले कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने सालों में मेरा बर्थडे और सब लोग नहीं है मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। मंदार ने भी और घर वालों ने भी, सब ने मिल के बहुत अच्छे से सरप्राइज दिया और मेरा दिन इतना ज़्यादा हैप्पी था, इतना ज़्यादा मैं खुश थी, इतना ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ। और मेरे से ज़्यादा तो शाल्व खुश था सबको देख के। तो ये उसने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आई एम श्योर आपको भी ये ब्लॉग देख के उतना ही मज़ा आया होगा, उतना ही खुश हुए रहेंगे आप भी हमारे लिए। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट बर्थडे गिफ्ट रहेगा। यस मंदार, क्या कहते हो? Do like, share and subscribe. Also, I'm really really lucky to have Mandar as my soulmate, as my husband, as my partner in crime. क्योंकि Mandar ने हर एक चीज possible की है. So thank you. और एक चीज़ मुझे आप सबसे कहनी थी, सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आप सबके बर्थडे विशेष ने ये दिन, ये बर्थडे और ज़्यादा स्पेशल बनाया। मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा था, बहुत बहुत खुश थी मैं। पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। आप सबने इतने प्यार से ढेर सारे कॉल्स किए, मैसेजेस किए, तो I'm really really feeling very special. So thank you. और please 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 इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स में आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, and subscribe to our channel Just Rooman. So ऐसे ही और नए नए वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा। टेक केयर, बाय।